स्टाइलिस्ट, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए लेटेस्ट लो क्लासिक बन। तो सबसे पहले हमें, आप लोग देख सकते हैं, करना है क्या आपको लेना है, सेंटर प्रोफाइल सेक्शन, एंड उसके बाद में मैं यहाँ पर कर रही हूँ ईयर टू ईयर सेक्शन। इस तरह से आप सब देख सकते हैं ईयर टू ईयर सेक्शन। अब हमें इस तरह से एक कोनी बना लेनी है। आप सब देख सकते हैं हमें इस तरह से एक कोनी बना लेनी है हॉस्पिटल बोन पर। ये देखिए मैंने बंजी बनाया हुआ है। अब हम इसे रोटेट करते जाएंगे, जहाँ तक ये रोटेट होता जाएगा हम इसे रोटेट करते जाएंगे, एंड अब हम इसे बाय बॉब पिन फिक्स कर देंगे। ध्यान रहे बॉब पिन मैंने, तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने ये कोनी बना ली है। एंड अब हमें एक पोनी में से ही लेयर उठा लेना है। इस तरह से देखिए मैंने एक पोनी में से ही लेयर ले लिया है। एंड अब हम इसे सेपरेट कर देंगे बाय होल्डिंग पिन। एंड ये जो पोनी वाले हेयर हैं हमें इसमें बैक कॉम करते जाना है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं एंड अब हम इसमें हेयर स्प्रे करेंगे। सारे जितने भी मैंने बैक कॉम किए हुए हेयर हैं उसमें मैंने स्प्रे कर दिया है इस तरह से। एंड अब हमें इसे थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से शेप देते हुए, इस तरह से देखिए शेप देते हुए हमें इसका एक बंच बना लेना है। इस तरह से एक स्टफिंग बना लेना है एंड इसे हमें एक शेप देते हुए फिक्स कर लेना है थोड़ा सा नेप एरिया में, क्योंकि बहुत हाइटेड नहीं रहेगा, लो बन है तो हमें इसे नेप एरिया पे ही बनाना है। थोड़ा सा डाउन करना है, ना ही तो अप करना है। इस तरह से आप देखिए मैंने नेप पे हल्का सा टच करते हुए बनाया है। एंड अब हम इसे स्प्रे कर देंगे एंड इसे यू पिन से लॉक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने सारे बन को शेप देते हुए यू पिन से लॉक कर दिया है एंड स्प्रे कर देंगे अगेन इस तरह से। जितने भी फ्लायर्स हैं उन्हें हम सब अच्छे से इसमें ही फिक्स कर देंगे। एंड जो हमने ये एक लेयर निकाल रखी थी पोनी में से, अब हम इसके ऊपर ही इसे बैक कॉम करते हुए, स्प्रेड करते हुए बन को हाइड करेंगे। जो हमने स्टफिंग क्रिएट की है उसको इससे ही हाइड करते जाएंगे इस तरह से, देख सकते हैं। एंड उसके बाद में हमें इसे बी बाय यू पिन फिक्स कर देना है इस तरह से। देख सकते हैं स्प्रे करने के बाद में इस तरह से देखिए हमारा ये बन रेडी हो चुका है। हमें फिनिशिंग के साथ वर्क करना है। एंड अब हमें फ्रंट पर क्या करना है, जो हमने फ्रंट पर हेयर छोड़ रखा था उसमें से हम 2-3 इंच का एक हेयर डिवाइड करेंगे इस तरह से। हेयर डिवाइड करने के बाद में हम बोथ साइड हेयर डिवाइड करेंगे। एंड ये जो हेयर हमने बचाए इसे हम बाय होल्डिंग पिन उसे सेपरेट कर लेंगे। बोथ साइड हमें सेम सेक्शन डिवाइड कर लेना है, इक्वल सेक्शन डिवाइड कर लेना है हमें इस तरह से। एंड इसके बाद में हमें करना है क्या, हमें इस वाले हेयर का बनाना है पफ ऑन इस तरह से। देख सकते हैं हमें एक स्मॉल सी सेक्शन निकाल लेना है। एंड ये जो टेम्पल एरिया के सेक्शन है हमें इसे सेपरेट कर देना है। एंड हमें करना है क्या, ये जो हमने सेक्शन निकाला है हमें इस तरह से
ये देखिए इसमें से भी वन बाय वन थिन थिन लेयर लेकर के हमें बैक कॉम करते जाना है। रूट पर बैक कॉम करेंगे, याद रहे हमें रूट पर छोटा छोटा बैक कॉम करना है इस तरह से। अगेन एक और थिन सेक्शन, इस तरह से। अब देखिए जो हमने टेम्पल सेक्शन के हेयर छोड़ रखे थे हमें उसमें भी छोटा छोटा बैक कॉम कर लेना है। एंड हमें इसको भी अब हमें सारे हेयर को फिनिशिंग करते हुए इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सारे हेयर को हमें ओवरलैप करते जाना है कॉम से। हमें बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में कॉम लेकर नहीं जाना है, हमें ऊपर ही ऊपर कॉम चलाना है ताकि हमारा जो पुफ है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन कर के आए। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं स्प्रे करेंगे, उसके बाद में हमें जो भी टैंगल हेयर हैं उसे टैंगल फ्री कर लेना है इस तरह से। एंड उसके बाद हमें फिर से उसे एक बार नीट एंड क्लीन कर लेना है। अब इसके बाद में हमें बाय बॉपिन इसे फिक्स कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें बाय बॉपिन फिक्स कर लेना है। एंड जो अब हमने फ्रंट पर सेक्शन छोड़ रखे थे, सेपरेट कर रखे थे, उसे हमें क्या करना है, हमें एक आईब्रोज की आर से एक हमें वर्टिकल लाइन निकाल लेनी है। एंड इसके बाद में हमें उस वाले हेयर को सेपरेट कर लेना है। एंड ये जो हेयर बचे हैं इसे हम छोटा छोटा रूट पर बैक फॉर्म करेंगे। स्प्रे करेंगे, इसके बाद में हमें फिनिशिंग देते हुए इसे मर्ज करते हुए उस बन के ऊपर ही हमें ओवरलैप करते जाना है इस तरह से। स्प्रे करेंगे अगेन, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ओवरलैप करते जाना है हमें। एंड जो पफॉन वाले हेयर बचे थे उसे भी हमें स्प्रेड करते हुए इससे भी बन के ऊपर ही ओवरलैप करना है। एंड इन सारे हेयर को हम बाय यू पिन फिक्स कर देंगे एंड स्प्रे करेंगे। मैं यहाँ पर टाफ्ट का स्प्रे यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। हम बाय यू पिन इसे भी जो बचे हुए रेस्ट ऑफ हेयर हैं हम इसे उस बन के अंदर ही फिक्स कर देंगे।
अब हमें फ्रंट पर आना है। इस तरह से देख सकते हैं, हमें सारे हेयर को टैंगल फ्री कर लेना है जो हमने फ्रंट के हेयर को सेपरेट किया था। एंड इसमें भी हम एक वर्टिकल सेक्शन अगेन निकालेंगे, एंड ये जो फ्रंट वाले हेयर है हमें इसे टैंगल फ्री करके इसे हम सेपरेट कर देंगे इस तरह से बाय होल्डिंग पिन। एंड ये वाले हेयर जो हमने छोड़ रखे हैं, हम इसे भी बन के ऊपर ही ओवरलैप करने वाले हैं। लोग देख सकते हैं, मर्ज करते हुए हम इसे भी बन के ऊपर ही ओवरलैप करेंगे स्प्रे, एंड बाय योपिन हम इसे फिक्स कर देंगे। अब फ्रंट पर आ जाते हैं। जो फ्रंट पर हेयर हमने छोड़ रखा था, इस तरह से ये देखिए एक बॉक्स सेक्शन टाइप का निकल आएगा। तो ये जो फ्रंट वाला सेक्शन है, हमें इसमें से एक थिन लेयर सेक्शन निकाल लेना है, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन देखिए हमें निकाल लेना है। एंड इसके बाद में हमें इसमें से बनानी है एक ब्रीड। तो इस तरह से पहले हमें एक थिन सेक्शन निकाल के हम जो नॉर्मल ब्रीड करते हैं, जिस तरह से हमें एक नॉर्मल बेसिक ब्रीड करनी होती है, हम वो ब्रीड कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से हम नॉर्मल ब्रीड करते जाएंगे, जो हम लोग 3 स्ट्रैंड वाली ब्रीड करते हैं हम वही कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने ब्रीड कंप्लीट कर ली है। एंड इसके बाद में हमने ये जो बचे हुए हेयर है, हमें इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है इस तरह से। इसके बाद में हमें इसका भी ब्रीड बनाना है। एंड ये वाला ब्रीड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं ये हमें उल्टा बनाना है। अगर आपको इस वाली ब्रीड का एक प्रॉपर वीडियो चाहिए जो मैं डिटेल में बताऊं आपको, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इस वाली ब्रीड का एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो अगर किसी को ये ब्रीड अच्छे से समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से देखिए अब मैं किस तरह से ब्रीड बना रही हूँ। ये तो इस तरह से जो हमने नॉर्मल ब्रीड बना रखी थी, उस ब्रीड को भी हमें इस ब्रीड में ही मर्ज कर देना है, क्योंकि 4 स्ट्रैंड की ब्रीड हम बना रहे हैं। तो अगर लगता है कि इस ब्रीड को आपको और अच्छे से, एंड इसके बाद में हमें इसे थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देना है इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं हम थोड़ा थोड़ा इसे स्प्रेड कर देते हैं।
जहाँ से आपको लगे कि थोड़ा सा शेप जो है ब्रीड का वो ऊपर को उठ रहा है, तो इस तरह से बायोपिन इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दें तो ये थोड़ी सी शेप में आ जाएगी, बिकॉज़ हमारा हेयर स्टाइल बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद में ये जो फ्रंट वाला मैंने सेक्शन छोड़ रखा था, इसे भी हमें करना है क्या, टेंगल फ्री कर लेना है। एंड ध्यान से देखें, फिंगर को देखिएगा मैं किस तरह से फिंगर को ग्रिप कर रही हूँ। स्प्रे करने के बाद में हमें अगेन टेंगल फ्री कर लेना है इसे। एंड अब हमें करना है क्या, टू फिंगर से देखिए, मैंने डाउन से टू फिंगर से इसे ग्रिप किया है इस तरह से। एंड देखिए मैंने अब हम इसे अप साइड पुल करेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह से। देखिए मैं इसे हाइट देती जाऊंगी, हल्की सी हमें हाइट देनी है पुल करते हुए इस तरह से। आप प्लीज़ मेरा फिंगर देखिए एंड मेरा हैंड मूवमेंट देखिए, हल्का सा स्प्रे करेंगे एंड शेप देंगे इसे हम। एंड बाय स्टील सेक्शन पिन इसे अब हम होल्ड कर देंगे इस तरह से। एंड जो डाउन के हेयर हैं उसे हम थोड़ा सा टैंगल फ्री करेंगे। एंड ये देखिए आईब्रोज की आर्च के पास से हमें थोड़ा सा डाउन साइड स्प्रेड करते हुए आना है, स्प्रे करना है। एंड उसके बाद में हमें क्या करना है, इसे बाय यू पिन होल्ड कर देंगे ताकि हमारा शेप में आ जाए इस तरह से। अब हमें हल्का हल्का स्प्रेड करते जाना है, देखिए स्प्रेड करते जाएंगे। एंड जो हमारा ब्रीड है, ब्रीड के जस्ट नीचे ही हमें इसे फिक्स कर देना है। वैसे तो ये जिनके हेयर कट होते हैं उनका ज़्यादा अच्छे से बनता है, बिकॉज़ मेरी डमी के हेयर कट नहीं है और लॉन्ग हेयर है, तो हमें उसको ब्रीड के नीचे ही इस तरह से हाइड करते हुए बन के नीचे बचे हुए हेयर को ले जा कर के फिक्स करना पड़ रहा है। तो इस तरह से देखिए आप लोग भी कर सकते हैं, अगर कटे हुए हेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लॉन्ग वन लेंथ हेयर है तो इस तरह से आप बन के नीचे ही फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने भी इस हेयर को जो मैंने फ्रंट बनाया उसे बन के नीचे ही फिक्स कर दिया है। तो इस तरह से देखिए ये हमने बनाया है बेसिक लो बन। और इस तरह से आप किसी भी सुंदर सुंदर एसेसरीज से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से देखिए स्टड्स वाले फ्लावर्स लगाए हैं। तो देखिए रेडी है हमारा ये लेटेस्ट क्लासिक लो बन। तो आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करें, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे नए नए